इस वीडियो में सारी चीजों की बात करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हमने अपना स्मार्टफोन कैसे चुरवाया एंड लास्ट कैसे और किस हालत में मिले अपने दो खोए स्मार्टफोन्स। ओके, मैं अपनी एक्सपर्टीज बता देता हूँ। मुझे मेरी लाइफ में दो फोन खोने का एक्सपीरियंस है, और तुझे? भाई एक्सपीरियंस तो दो हैं, लेकिन वो इंचार्ज हैं। प्राउडनेस ऐसी जैसी कोई मेडल लेके आया। ओके, मेन थिंग इज आप एक्सपर्ट के पास आए हैं, और उसमें से कितने मिले? भाई दो मिल गए। और तेरा? यार मैं तो इसमें वर्जिन हूँ भाई, मेरे तो दोनों पे काम चल रहा है, और भाई मिलेंगे जो है कॉन्फिडेंस। तो बात है कॉलेज के समय की, दो बस मेरे को पकड़नी पड़ती थी, तो एक जो छोटे रूट की बस होती थी, तो मैं ज्यादातर गेट पे ही खड़ा रहता था। तो बस ऑलमोस्ट मीडियम टाइप थी कि 20-25 लोग होंगे बस में, इतनी भीड़ नहीं थी। अचानक से कॉलेज से एक स्टॉप पहले भीड़ आई, 8-10 लोग चढ़े बस में और वो गेट के पास ही खड़े हो गए। मुझे लगा कि एडजस्ट हो जाएंगे चढ़ रहे, फोन जेब में था राइट वाली पॉकेट। अजीब सा नहीं लगा वैसे, नॉर्मल से लगा कि बस में लोग तो चढ़ते ही रहते, 7-8 लोग एक जगह खड़े होते, पीछे को थोड़ा सा टच हो ही जाता, पर मैंने ध्यान नहीं किया ऑब्वियसली, एग्जाम को लेकर थोड़ा मैं पढ़ रहा था। फिर अचानक सा ऐसा स्वाइप सी हुआ, मतलब कुछ अच्छा महसूस हुआ, फिर जैसी जेब पे हाथ गया, द मोमेंट वी ऑल आर वेटिंग फॉर, गया छाती की पीट रुक गई, गया पल तपने लगा, आ गया। मुझे पता चल गया कि वही फोन चला है, पर वो टाइमिंग ऐसी थी कि बस का स्टॉपेज आ गया, फोन चला गया, भीड़ जो थी वो इधर बिधर हो गई, जैसे ही दरवाजा खुलने वाला था आई थिंक वही टाइमिंग था, तो कुछ पता ही नहीं चला और ये पसीने आ गए। और सबसे ज्यादा दुख की बात, वो फोन लिए 7 दिन हुए थे। अच्छा ठीक है, 7 दिन में काम करवा दिया, 7 दिन में तो फोन गया। अब जो सबसे पहली चीज करनी है, findmydevice.com खोलना अगर आपका फोन एंड्रॉइड था, और अगर आईफोन है तो प्रोसेस सेम है, बस फाइंड माई आईफोन खोलना है, सेम जीमेल और एप्पल आईडी से साइन इन करना है, एंड यहाँ सिक्योर डिवाइस या लॉक डिवाइस पे मार्क कर देना, और एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इन केस सामने वाले चोर का दिल बदल जाए। वैसे ये होने के उतने ही परसेंट चांस है जितना कि मैं कल से करूंगा, मैं आप जेन्युइनली कल से ही शुरू करते हैं। ऑसम नहीं कह रहा, शून्य। नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने सिम के कस्टमर केयर को कॉल करना है, लॉस्ट रिपोर्ट कराना है, और अल्टीमेटली आपको अपना नंबर ब्लॉक कराना है। अब आप कहोगे सिम ब्लॉक करा लिया तो ट्रैक कैसे होगा, मोबाइल डाटा तो सिम से ही चलेगा। सॉरी टू डिसहार्टन यू, आप जिस फाइंड माय फोन लोकेशन की बात कर रहे हैं वो मेजरली चोरी के केस में काइंड ऑफ यूजलेस होता है। विश्वास नहीं हो रहा, आओ ये मिथ भी क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक हार्श रियलिटी अबाउट डाटा इंटरनेट की। ये जगह जितनी अच्छी है उससे थोड़ा ज्यादा बेकार, स्पेशली बच्चों के लिए, उनको नहीं समझ होती। तो एज अ पेरेंट्स अगर आप एंश्योर करना चाहते हैं अपने चाइल्ड की सेफ्टी इस डिजिटल एज में, तो मीट MSpy पेरेंटल कंट्रोल ऐप। इस ऐप से आप अपने बच्चे के स्मार्टफोन यूज को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके पास सारे स्क्रीनशॉट आते रहेंगे, फुल टाइम GPS लोकेशन ट्रैकिंग होगी, किसको कॉल या मैसेज किया है सब देख सकेंगे, इंक्लूडिंग उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी। बस आपका चाइल्ड का फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और अगर कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट होते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, आप जिसका भी फोन मॉनिटर कर रहे हो आप उस डिवाइस ओनर से कंसर्न जरूर लें, बिकॉज फोन एक प्राइवेट चीज होती है एंड आपको उस प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, क्लिक करें टू नो मोर। ओके, अब फाइंड माय डिवाइस का एक्चुअल ट्रुथ फाइंड करते हैं। हाँ तो भाई चौथी स्टोरी बताता हूँ, मेरा चौथा मोबाइल। उसका चौथा कैसे किया था? हमारे एक दोस्त थी तो बाइक से आ रहा था, जेब में मोबाइल रखा था, उसको ध्यान नहीं, बाइक से भाई बुलेट बाइक है भाई, अपने मजे मार, गिर गया। घर पहुंचा फिर वो कॉल कर रहा है, रिंग हो रहा है मोबाइल, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। उसने देखा रास्ते पे गया वापस, 2-3 बार गया कि कहीं गिर गया होगा तो देख लेता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो ट्रेस करते हैं, जैसे ऑनलाइन लोकेशन भी दिखा रहा था फाइंड माई डिवाइस, और वो मूव भी कर रहा था, मूव कर रहा, नहीं तो बंदा इस 2 किलोमीटर पाया वो फोन दिखा रहा था 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे एक जगह मूव कर रहा, थोड़ी थोड़ी जगह पे। फिर पुलिस स्टेशन में जाके बंदे को साथ लेके गए, उधर से पुलिस वाले कि सर ऐसे ऐसे हमारा मोबाइल गिर गया, ये लोकेशन दिखा रहा। तो वो बंदा गया हमारे साथ में, उधर मोबाइल ढूंढा जहाँ लोकेशन दिखा रहा था, फिर वो घूम रहा था उधर ही, भाई वहाँ भीड़ है, वो ऐसे आ गया था 100 मीटर की रेंज में ऐसे दिखा, लेकिन वो अपडेट थोड़ा लेट होता था, फोन ऑन ही चल रहा था, वहाँ देखा वहाँ कुछ नहीं हो पाया। कितनी देर लगभग ढूंढा होगा? आधा एक घंटा ऐसे ही चल रहा था पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाला साथ में है। फिर वो पुलिस वाले ने हमें नंबर दे दिया, और हम इसको रात में ढूंढेंगे जब स्टेबल हो जाएगा एक जगह। रात में दबोच ले, फिर रात में हो गई 10-11 बजे वो स्टेबल हो गई। तो हमने पुलिस वाले को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे वो बंदा एक जगह है रुका हुआ, आप आ जाओ। ठीक ठीक, वो शायद उस दिन ड्यूटी पर था। वो बोले कि सर हम ऐसे किसी पब्लिक में जाके घर में नहीं देख सकते, वो आप देखो कि कौन सा घर पे ज्यादा शक हो रहा आपको। उधर यार भाई छोटे छोटे घर बने हुए, मुश्किल था ऐसे किसी घर में रात में आप 12-1 बजे देख रहे हो। फिर भी 5-10 घर तो ट्रैक हो गए होंगे ना कि ये 5 वो एक दिखा रहा छोटा, 4-5 घर का मतलब दिखा रहा, उससे पहले
पहले मोमेंट तीन चार घर के आसपास ही हुई थी कि इधर जा रहा उधर जा रहा बस ऐसा, फिर नहीं हुआ। फिर अगले मॉर्निंग नहीं गए उन तीन मॉर्निंग में वो मोमेंट कर रहा है। अच्छा फोन चालू है, हमें पता चल रहा था फाइंड माय डिवाइस से कितने परसेंट बैटरी है। हां बिल्कुल वो। फिर अगले दिन शाम तक हमने ऐसे ढूंढा उसका पीछा के इधर जा रहा उधर जा रहा, लेकिन बंदा नहीं मिल पा रहा। अरे भाई फिर तो वो फोन डेड हो गया होगा, बिल्कुल चला गया बंद, कोई रिंग नहीं कुछ नहीं, फिर FIR हो गई उसकी। ओके इन दो स्टेप्स के बाद आपका अगला डेस्टिनेशन है पुलिस स्टेशन। थोड़ा FIR खेलना पड़ेगा। अपने फोन का 15 डिजिट वाला यूनिक IMEI नंबर ले लेना, वो यूजुअली आपके फोन के बॉक्स पे, या ऑनलाइन लिया होगा तो फ्लिपकार्ट Amazon से इनवॉइस डाउनलोड करके, और ऑफलाइन लिया होगा तो दुकान वाले से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि यही है आपका अंतिम सहारा। और अभी सहारा को एक्सेस करने के लिए ये कोड प्रेस करके डायलर पे लगा देना और सेव कर लेना, इनकेस हम नहीं पता आज हमारी जेब में है कल नहीं है। सो IMEI नंबर के साथ फोन का बिल भी लेना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारा पेशेंस, इट विल हेल्प यू। वहां पर आपके साथ हुआ ये हादसा वाला आप भी सुना देना, एंड इसके बदले आपको मिलेगा एक FIR की रिसिप्ट, और वहां पर होगा आपका यूनिक FIR नंबर। अब आप बोलोगे पुलिस वगैरह ढूंढती नहीं है एंड एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं होता, एंड आई काइंड ऑफ एग्री। बताया यहां फोन चोरी हुआ है तो पुलिस वाला कह रहा है यहां तो होती ही है, नहीं बात बताओ कुछ। बट कैसा भी हो, अगेन आई रिपीट, फिजिकली जाओ और कराओ FIR। ओके FIR करा चुके हैं, अब आपको CIR पोर्टल पे जाकर लॉस्ट मोबाइल सेक्शन में अपने फोन का दाखिला करवाना है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, पहला FIR नंबर और उसकी कॉपी, IMEI नंबर, फोन का बिल, और आपका आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी कार्ड। इससे अल्टीमेटली आपका फोन हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, और ये खुशी की बात है। बेसिकली इंडिया की कोई भी सिम उसमें वर्क नहीं करेगी, तो सामने वाले का भी नुकसान है जो भी आपका चुराएगा। एंड बैकग्राउंड काम की बात करें तो आपका IMEI नंबर जाती है नेटवर्क प्रोवाइडर्स के पास, जैसे जियो एयरटेल वोडाफोन को विदिन 24 आवर्स, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उसमें कोई अपना सिम कार्ड लगाएगा तो उसकी प्रोफाइल डिटेल जाएगी नेटवर्क प्रोवाइडर्स के पास, नेटवर्क प्रोवाइडर देगा गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट बेसिकली पुलिस देगी आपको। अब आपके इस पॉइंट पे दो डाउट होंगे, पहला इसे दोबारा अनब्लॉक कर सकते हैं ना, बिल्कुल आप कर सकते हो इसी पोर्टल के थ्रू अनब्लॉक। दूसरा ये सब ठीक है, तुझे अपना फोन कैसे मिला, इसके लिए फिर से एक कहानी सुननी पड़ेगी, और ये वाली बहुत वाइल्ड है, सुना। तो भाई बात है 15 अगस्त की रात की, दोस्त बोला भाई 264 दिखा दे यार रोहित शर्मा। अच्छा रोहित शर्मा वो फर्स्ट जो सबसे पहला मारा था भाई, वो लास्ट वीडियो थी जो मैंने फोन में देखी और मैं बंद करके सो गया घर में है। अरे घर की बात है, फिर सुबह उठता हूँ वही बंदा जिसको 264 दिखाई, वो पूछ रहा भाई रुद्रा तेरा मोबाइल किधर है, मैं भाई यही होगा देख ले, और मैं नींद में ऐसे ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ, बोला यार यहाँ तो नहीं है मेरा देख ले यार। फिर वो तीसरा बंदा सो रहा हमारे बराबर, हम तीन बंदे थे, फिर वो तीसरे से पूछ रहा भाई तेरा फोन किधर है, वो भी बोला भाई यही देख ले, उसने भी सिर के बराबर में रख रखा फोन। अच्छा ओ एक साथ यार मेरा भी फोन नहीं मिल रहा, तेरा भी नहीं है, इसका भी नहीं है, कहाँ तीनों के गायब, बस मेरा चार्जर दिखाई दे रहा था लटका हुआ, यार मेरा चार्जर तो है और उन दोनों के चार्जर भी गायब, भाई घर में डकैती बढ़ गई क्या। मैंने देखा सामान यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा, वैसे चार बंदे थे, चार बंदा सुबह सुबह निकल गया था भाई, वो चौथा बंदा दरवाजा खुला खोल के चला गया था। कितने बजे के आसपास भाई, ये 8 बजे की बात है, 8 बजे हम सो रहे थे, पर 9 बजे बंदे ने मुझसे उठा कर पूछा कि भाई तेरा फोन किधर है, उस एक घंटे के बीच में वो काम हो गया भाई, मेरे तब भी समझ में नहीं आ रही, मैं सोच रहा यही भाई बिल्कुल रिलैक्स है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। बोला अरे भाई उसको चौथे बंदे को फोन कर ले, तुम्हारा भाई ऐसा कि नंबर याद रहते हैं सब, मिला नंबर मिला फोन नहीं उठा। फिर मुझे लगा ये चौथा बंदे काम कर गया दिख है सारे, तुम तीनों ऐसे सोते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर भाई जब बंदा वो जिसने मुझे जगा वो रूम ओनर के पास गया, कैसे सब जो मांग रहा था, तो तुझे गंभीरता समझ भाई, यार ऐसा तो है नहीं कि भाई रूम ओनर के पास जा सके, रूम ओनर थोड़ी बड़ी बात हो गई। फिर मुझे लगा भाई अब तो सीरियस में गया यार, थोड़े से मुझे लगा फोन गया, मैं सोच रहा साले 15 दिन हुए लाए हुए को, मैं ठहरा रहा जब ही चलने लगी। फिर हम दोनों गए चल पुलिस स्टेशन चल रहे, FIR करती, मुझे IMEI नंबर नहीं पता, फिर तुझसे लिया आई था भाई ये मोटो G52 जो हमने वीडियो बनाई थी वो वाला फोन। भाई मोबाइल तो छोड़, तीन मोबाइल गए, हाँ ट्रिमर भी था, ट्रिमर भी उठा लिया, उस ट्रिमर के ऊपर सामने लड़ाई हुई वो भी चल गई, हमारे चार्जर उन दोनों के ईयरफोन्स भी होंगे। भाई कच्चा बनियान तक ले गए यार, सच में रेनकोट रखा था बैग में, बैग भी हमारे लिए उसने, पैकिंग की भी तुम्हारा बैग, घर में घुसा हमारा बैग उठाया उसमें रेनकोट रखा, भाई ये तो फिल्म जैसा लग रहा है यार, 2-3 टी-शर्ट और बढ़िया बढ़िया लोअर उठाए यार, 2 चार्जर, आजादी तो तुमने मचाई थी भाई यार, किसी को बता भी नहीं सकते कि सारे तुम 8 बजे ऐसे सो रहे थे, 3 बंदे और कोई घर में आता और तुम्हारे बैग उठा के लेके जाता, हमारे बैग पैक करके बढ़िया जैसे स्कूल स्टूडेंट है भाई।
वैसे हमें सीसीटीवी देखा था, हमें दिखाया, पता चला अच्छा सीसीटीवी में था वो बंदा कोई का था, लेकिन वीडियो क्या करते, वीडियो का कुछ नहीं। फिर पुलिस ऐसे भी कहां पकड़ सकती थी, कोई बंदा हमें ऐसे लगा था, फिर FIR होगी थी। अब तुम लोगों ने चार फोन गुम होने की FIR कर रखी। फिर हम 10-15 दिन बोलते थे कि सर ऐसे ऐसे हमारा पहले भी मोबाइल चोरी हुआ, वो बोलते कि अभी ट्रैक नहीं हो पा रहा, जब चालू होगा तो हम आपको बता दें। भाई साथ वाले बंदे बोलते थे अरे कुछ नहीं होने वाला, भूल जा मोबाइल। मेरे जो दो बंदे थे साथ वाले जिनके दोनों चोरी हुए, उन्होंने दूसरे दिन ले लिया मोबाइल। भाई तो की पैड ही चला रहा था, भाई फोन तो वही चाहिए, नहीं तो यार छोड़ यार यही चल रहा, काम चल रहा इससे। फिर मैं हर 10-15 दिन में सर क्या स्टेटस है ये, तू पीछे पड़ा रहा पुलिस वाले के, हर 10-15 दिन में नवंबर दिसंबर ये सब पास होके मैं फिर गया पूरा लगा रहा बिल्कुल। फिर मैंने फोन किया पुलिस स्टेशन, नहीं गया मैं सर क्या स्टेटस, तो उधर से एक अच्छी खुशखबरी मिली। क्या क्या? कि एक रुद्र प्रताप है, एक मेरा और एक गौरेश, ये दो बंदे इनका मोबाइल मिल गया है, एक का कर्नाटक में है, एक का तमिलनाडु में। ओ भाई जो मतलब ट्रैक हो गया है, ट्रैक हो गया और हम बात नहीं कर सकते हम उनकी लैंग्वेज में, तो आप बात कर लो। तो हमारे साथ में वो कर्नाटक का बंदा था, अरे वही बंदा जिसका चौथा गिरा था मोबाइल। अच्छा जो चौथा कैरेक्टर था जिसका फोन गिरा था, सेम टाइम कन्नड़ में बात कर ली, बात हो गई। ओके उसको बोला भाई पुलिस केस है तुझ पे, वो भाई बोला यार मैं तो किसान आदमी, मैंने दुकान से खरीदा, ये है वो है, कर्नाटक वाला बोल रहा था। बोले भाई खरीदा कहीं से भी, केस तेरे तेरे नाम से है, तू पकड़ा जाएगा, या तो तू भेज दे नहीं तो दुकान वाले को बोल वो भेजेगा। फिर उसको पता कि मैं कैसे भेजू, के DTDC ये सब पार्सल के बारे में बताने लगे, तो हमने सब समझाया, उसने पार्सल कर दिया। अच्छा 6 मार्च को भाई को मोबाइल मिल गया था मोटो, सेम उसी कंडीशन में भाई, जो कवर मैंने लगा के भेजा था बैक कवर मोटोरोला का ही। अच्छा। वो मुझे वापस मिल गया बढ़िया कंडीशन में था भाई, बहुत खुशी मिली यार। साथ में बंदा था उससे हमने तमिल में बात करा दी। दूसरा बंदा तो ये था कि भाई मैंने गिफ्ट में दिया अपनी वाइफ को, यार ये भी खरीदा था मुझे ऐसे ट्रेन में मिल गया था बंदा, उसने दिया। अच्छा ट्रेन में किसी ने बेच दिया? हाँ कि भाई बहुत मजबूरी है, जैसे मिल जाते हैं ना मिल जाते वो, कुछ, हाँ, वो चोर सस्ते वाले सस्ते में है ये वो, आप ले लो ये, मैं बहुत जल्दी इमरजेंसी जाना, आप फोन भेज दो नहीं तो आपके नाम से पुलिस कार्यवाही होगी। तुम लोगों ने थोड़ा हड़काने की कोशिश करी, पुलिसी बन के बात भाई उसने भी भेज दिया था। 6 मार्च को मेरा आया था, 9 मार्च को उसका आ गया था दूसरे भाई। So, ये सब करने के बाद अब आपको पेशेंस येट होपफुल होना है, बिल्कुल RCB फैंस की तरह, एंड ट्रस्ट भी, इसके अलावा कुछ नहीं होता, सो टाइम वेस्ट मत करना।